आप सबका श्रेष्ठ किचन में बहुत बहुत स्वागत है। एक दिन पहले था वट सावित्री और फास्ट के बाद कुछ चटपटा सा नमकीन सा खाने का मन करता है, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने क्या बनाया है घर पे। ये मुढ़ी मुड़मुड़े जिसको बोलते हैं, और उसको आप इस तरह के बचका या भाजा जो भी आप इसको बोलते हैं उसके साथ खाया है कभी? बहुत ही लजीज लगता है, बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल गाँव की याद आ जाएगी। गाँव घर में जब कोई त्यौहार होता है जैसे कि फास्ट वगैरह करते हैं ना, त्यौहार नहीं फास्ट वगैरह जैसे करते हैं, तो उसके अगले दिन ना इस तरह की ही चीज़ें खाई जाती है और नमकीन खाने का मन भी बहुत करता है। तो मैंने सोचा चलो घर में मैं भी बनवाती हूँ ये और ख़ुद भी बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे करके बनाया है ये मुरमुरे, तो जो पैकेट वाला आता है वो आप लेके आ सकते हैं, और इसको कैसे बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे प्याज काट लिया है, हरी मिर्ची काट ली है, धनिया पत्ती काट ली है, और यहाँ मेरे क्यारी में देखिए बैंगन उगा था, तो मैंने सोचा चलो प्याज का प्याजू बना रहे हैं ना तो एक बैंगन का भी बना लेते हैं। तो एक मैं बैंगन तोड़ के आया, यहाँ पे तीन बैंगन है, तो मैंने कहा चलो आज तो एक ही का काम है तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बैंगन तोड़ के लाती हूँ, इसका बनाते हैं। ये बहुत जल्दी मतलब झटपट गल जाता है। यहाँ पे ये देखिए एक तोड़ के लाई हूँ, बहुत ही बढ़िया साइज़ का हुआ है, और ये गोल वाला बैंगन तो मैंने अपने क्यारी में पहली बार उगाया है और बहुत ही बढ़िया निकला है, और इसमें खाद वगैरह जो होता है ना वो कुछ भी मैंने नहीं डाला था, बस पानी वानी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डालती गई, और देखिए कितना बढ़िया बैंगन हुआ है। तो इसको थोड़े मोटे साइज़ में मैंने यहाँ पर काट लिया, क्योंकि घर का है ना बिल्कुल ताज़ा है, अभी तो तोड़ के लाई हूँ, तो ये मोटा भी ना बहुत जल्दी गल गया था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा करके इसको काट लिया और बैंगन में बैंगन को इसमें बेसन में लपेट के और इसको तल दिया ये देखिए। और यहाँ पे प्याज का जो प्याजी है ना ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि कल फास्ट था तो चलो मैं ये नमकीन बना के खिलाता हूँ। ये देखिए क्या मस्त बना रहे हैं, प्याज को बारीक बारीक काट लिया था, प्याज कटिंग वगैरह तो मैंने ही कर दी थी, और बेसन को घोल लिया, उसमें नमक हल्दी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और हल्का सा गरम मसाला आप डाल दीजिए, और उसको प्याज में लपेट के और फिर इस तरह से तल लीजिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। और हम लोग इस तरह से खाते हैं ये मुरमुरे है ना, इसमें थोड़ा सा आप सरसों का तेल डाल दीजिएगा, हरी मिर्ची डाल दीजिएगा, प्याज डाल दीजिए और हाथ से मिला के ना खूब अच्छा सा भुंजा बना लीजिए। ये बन गया, और अब इसको आप इस जो पकौड़े बनाए हैं ना, आप पकौड़े बोल लीजिए, भाजी बोल लीजिए, प्याजू बोल लीजिए, बैंगनी बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, लेकिन इसके साथ ना ये बहुत ही बढ़िया लगता है। ये मूढ़ी और जैसे मूढ़ी घुघनी का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसी तरह से ये भाजी और मूढ़ी का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा इस पर नमकीन डाल दिया है, बहुत ही लजीज लगता है। आप भी इसको एक बार ज़रूर आजमाइएगा, सैटरडे के दिन ज़रूर कुछ भुंजा वगैरह खाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये बनाया था। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।